हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए मैं बिग न्यूज लेकर आया हूँ। बिग न्यूज मतलब बिग न्यूज, और बहुत बड़ी बिग न्यूज है। इसे सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी इन प्लेयर कार्ड्स को सेल नहीं करोगे। तो वेलकम टू माय चैनल रेडियो D3 क्लब में इन प्लेयर कार्ड्स को मत सेल करो। वो कौन कौन से प्लेयर कार्ड्स हैं मैं आगे चलकर बताता हूँ, क्योंकि रेडियो D3 क्लब में नेक्स्ट सीरीज आपको अबू धाबी T10 देखने को मिलेगी। और इस अबू धाबी T10 लीग में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, UAE के प्लेयर भी हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर इंटरनेशनल हैं। और उन प्लेयर के प्लेयर कार्ड्स आप यूज कर रहे हो, और बहुत सारे लोग एक एक डॉलर में सेल कर रहे हैं। अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो आप के लिए अच्छी डील हो सकती है, और आप जाके खरीद सकते हो एक डॉलर या दो डॉलर में। तो चलिए पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि क्या आएगी। तो मैं ट्विटर में आ गया, ट्विटर में आने के बाद मैं रेडियो सर्च कर लिया। ओके, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। रेडियो सर्च कर लिया, अब यहाँ पे रेडियो का अकाउंट सबसे ऊपर है। ट्विटर में आने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू टिक भी है, और रेडियो HQ ब्लू टिक का मतलब होता है वेरीफाइड है। ओके, रेडियो ही है। तो रेडियो का मैंने प्रोफाइल ओपन कर लिया। अब प्रोफाइल ओपन करने के बाद मैं करता हूँ कहाँ, नीचे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ कि न्यूज क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियो ने बहुत सारे अनाउंस करता रहता है। अगर आपको भी रेडियो की न्यू अपडेट चाहिए ना, तो किसी भी चीज़ की अगर आपको न्यू अपडेट चाहिए, तो सभी लोग ट्विटर में एक्टिव रहते हैं। तो आप लोग भी ट्विटर इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, और आप भी नई नई न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो न्यूज बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी गलती कर रहे हो, फिर आप वही प्लेयर कार्ड्स को $1 में भी सेल कर रहे हो, फिर $10 में खरीदोगे। तो इसलिए आपके लिए मैं न्यूज लेकर आया हूँ, आपके लिए 100% बेनिफिशियरी है, मतलब लाभदायक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो ने क्या किया, रीट्वीट समझते हो, मतलब रेडियो ने किया है। पहले ये T10 लीग की जो ऑफिशियल अकाउंट है उसने ये ट्वीट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं T10 लीग 01 नवंबर, ए मैसिव थैंक यू टू रेडियो HQ फॉर ज्वाइनिंग अस एज द NFT पार्टनर फॉर Season 6 अबू धाबी T10। मतलब अबू धाबी T10 लीग का जो Season 6 है उसके लिए रेडियो ने क्या किया है, रेडियो ने ज्वाइन कर लिया है, और NFT पार्टनर के रूप में। NFT क्या है, रेडियो जो है NFT पर ही तो आधारित है। NFT है नॉन फंजिबल टोकन। अगर आपको पूरा जानना है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि NFT पूरा क्या है। लेकिन अब मैं यहाँ पर चल के आपको बताता हूँ कि अब मैं T10 लीग का जो ऑफिशियल अकाउंट है अब इसमें चलता हूँ। अभी मैं रेडियो के अकाउंट में गया था, रेडियो ने इसे रीट्वीट किया था। मतलब रीट्वीट क्या होता है, ट्विटर में ये होता है रीट्वीट कि आप किसी अकाउंट को, किसी के भी ट्वीट को अपने अकाउंट में अपलोड कर सकते हो, वो रीट्वीट हो गया। ओके, आपको उदाहरण के लिए समझाया, बट ये नहीं होता है, ठीक है, आपको उदाहरण के लिए। अब मैं T10 लीग का ऑफिशियल अकाउंट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कब से है, 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ओके, 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक। तो अभी आपको रेडियो D3 क्लब में कौन कौन सीरीज दिखेगी वर्ल्ड कप के बाद आपको दिखेगी एक इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज, और साथ में क्या चलेगी आपको, साथ में अबू धाबी T10 लीग, और बहुत सारे प्लेयर हैं, बनिंदु हसरंगा से लेके लियाम लिविंगस्टोन तक। तो चलिए वो कौन से प्लेयर हैं मैं आपको आगे चल के पूरी टीम दिखाता हूँ, और उन प्लेयर कार्ड्स को आपको बिल्कुल भी नहीं सेल करना है। और बहुत सारे लोग सेल कर दे रहे हैं, फिर वही प्लेयर कार्ड्स महंगे प्राइस में खरीदेंगे। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आपके लिए वो भी आसानी होगी कि आप उन प्लेयर कार्ड्स को खरीद के रख सकते हैं। तो चलिए जो इनकी टीम है, पहली टीम है क्या, मॉर्सविले सैम पार्मी। इसमें डेविड मिलर का आप आइकॉन मतलब कैप्टन है,
है। सिमरन हिटमायर का भी क्या है कार्ड है, प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। एनरिक नॉर्जी का भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। मोइन अली भी खेलेगा, इसका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। ड्वेन प्रिटोरियस, इसका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। जॉनसन चार्ल्स, इसका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। चमिका करुणारत्ने, इसका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। और नीचे इब्राहिम जादरान, इसका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। और सेल्डन कॉटरेल, इसका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। तो इस टीम में आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों का प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। तो आप इन प्लेयर कार्ड्स को मत सेल करना, अगर सेल नहीं करो, अगर खरीदना चाहे तो आप जा सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं। यू कैन गो देयर एंड बाय 100% ये लीग आपको रेडियो D3 क्लब में देखने को मिलेगी। और आप लोग पहले आदमी हो जिसे पता चल रहा है, तो आप लोग मिस मत करो। अभी और दूसरी टीम को भी बताता हूँ। दूसरी टीम क्या हुई, चेन्नई ब्रेव्स। इसमें दसुन सन का आइकॉन मतलब कैप्टन है, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। दूसरा महीश तीक्ष्णा, इसका भी प्लेयर कार्ड है। तीसरा भनुका राजपक्षा, इसका भी प्लेयर कार्ड है। मोहम्मद शहजाद का नहीं है। कार्लोस ब्रैथवेट का नहीं है। ओबेड मकॉय का है प्लेयर कार्ड्स, इसको भी ले सकते हैं आप। सिकंदर रजा, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है, आप ले सकते हैं। और नीचे किसी का प्लेयर कार्ड्स नहीं है। तो इन प्लेयर कार्ड्स को आप चेक करो, अगर आपके पास है तो सेल मत करो, अगर नहीं है तो जल्दी से जाके बाई कर सकते हैं सस्ते प्राइस में, सस्ते डॉलर में। ओके, सस्ते प्राइस में नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इनकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग सेल कर रहे हैं और उस समय भीड़ आएगी तो सभी लोग बाई करेंगे। तो चलिए, चेन्नई ब्रेव्स के बाद अगली टीम कौन सी है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्लेयर हैं। इस टीम के प्लेयर्स तो आपने देख लिए, चेन्नई ब्रेव्स के प्लेयर देख लिए। चलिए अब आ गई दिल्ली बुल्स। दिल्ली बुल्स में क्या उन्हें, ड्वेन ब्रावो, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। रिली रोसो, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। रहमतुल्ला गुरबाज, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। डोमिनिक ड्रेक्स, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। टिम डेविड, इसका प्लेयर कार्ड्स है। नजीबुल्ला जादरान, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। और नीचे कीमो पॉल, इसका भी प्लेयर कार्ड है। और इमाद बसीम, ये इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। तो इतने सारे लोगों का प्लेयर कार्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और जिनके प्लेयर कार्ड्स नहीं हैं वो जब T10 लीग शुरू होगा उस समय आ जाएंगे, लेकिन अभी इनके प्लेयर कार्ड्स बने हुए हैं। यू कैन बाय, अदरवाइज अगर आपके पास है तो सेल मत करो। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है और ज़ोरदार है। आप इन प्लेयर कार्ड्स को सेव करके रखना है, बिल्कुल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगे। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेयर कार्ड्स को सेल भी कर सकते हो, कॉन्टेस्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली टीम की तरफ चलते हैं और अगली टीम के प्लेयर कार्ड्स को देखते हैं। तो अगली टीम है नॉर्थर्न वॉरियर्स, इसका कैप्टन कौन है, बनिंदु हसरंगा, आइकॉन है इसका। रोमन पावल क्या है, कैप्टन है यहाँ पे। रोमन पावल, इनका भी प्लेयर कार्ड्स बना हुआ है। हसरंगा का भी प्लेयर कार्ड्स है, रोमन पावल इसका भी है। केनार लेविस, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। रीस टोपले का प्लेयर कार्ड्स नहीं है, सॉरी रीस टोपले का भी प्लेयर कार्ड्स है। सरफानी रदरफोर्ड, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। एडम लाइथ का नहीं है। बेन फार्नेल का भी प्लेयर कार्ड्स है, एडम होज का नहीं है। क्रिस गिरिन का भी प्लेयर कार्ड्स है, इमरिट का प्लेयर कार्ड्स नहीं है। और नीचे चमीरा का भी प्लेयर कार्ड्स नहीं है। मोहम्मद इरफान, और नीचे किसी का प्लेयर कार्ड्स नहीं है। तो अभी जिनको मैंने बताया आप उनको जाके चेक कर सकते हैं, उनके प्राइस चेक कर सकते हैं, उनका रेट चेक कर सकते हैं, जाके ज़रूर चेक करें। तो चलिए अब अगली टीम की तरफ चलते हैं, उनमें से कौन से अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और कौन से प्लेयर को आपको लेना चाहिए। तो चलिए अब अगली टीम को ओपन करते हैं, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, जिसके आइकॉन है कैरन पुलार्ड, इनका भी प्लेयर कार्ड बना हुआ है। नंबर 2 आजम खान, पाकिस्तान का ओपनर बैट्समैन, जबरदस्त हिटर, इसका भी प्लेयर कार्ड्स है। यान मॉर्गन, इनका प्लेयर कार्ड्स नहीं है। पॉल स्टीलिंग, इनका प्लेयर कार्ड्स है। रोमारियो सेफर्ड, इसका भी प्लेयर कार्ड है। बहाब रियाज, इसका प्लेयर कार्ड्स नहीं है। और जॉर्डन का भी नहीं है। आंदर फ्लेचर, इसका प्लेयर कार्ड्स है। कैसरिक विलियम्स, इसका प्लेयर कार्ड्स है। और नीचे आकिल हुसैन, इसका प्लेयर कार्ड्स है। तो मैंने जिसको बताया आप इनके प्लेयर कार्ड्स ज़रूर चेक करें, आप कहीं पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और वहाँ पे जाके आपको चेक करना है इनके प्राइस, और 100% आपको प्रॉफिटेबल डील मिलेगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि कौन सी सीरीज आने वाली है रेडियो D3 क्लब में नई। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज और अबू धाबी T10 लीग आएगी। तो चलिए अगली टीम आ गई, क्या है, टीम अबू धाबी।
क्रिस लिन इसका प्लेयर कार्ड्स नहीं है, नवीन उल हक इसका प्लेयर कार्ड्स है, मैं बता रहा हूँ जिसका इसका प्लेयर कार्ड्स है, ओके, फिलिप साल्ट इसका प्लेयर कार्ड्स है, एलेक्स हेल्स इसका प्लेयर कार्ड्स है, फेवियन एलन इसका प्लेयर कार्ड है, आदिल रसीद इसका प्लेयर कार्ड्स है, मुस्तजीफुर रहमान इसका भी प्लेयर कार्ड्स है, टाइमर मिल्स इसका भी प्लेयर कार्ड्स है, ब्रैंडन किंग इसका प्लेयर कार्ड्स है, डी रसूली इसका प्लेयर कार्ड्स है, और नीचे किसी का प्लेयर कार्ड्स नहीं है। तो मैंने जिनको जिनको बताया इनका प्लेयर कार्ड्स अवेलेबल है, आप ज़रूर चेकआउट करें और ये बिल्कुल भी मिस ना करें, ये इन्फॉर्मेशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और यू कैन अर्न ए लॉट, ओके। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए आपको लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आपने भी साइनअप नहीं किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से साइन अप करोगे तो $10 मिल जाएंगे, और अगर आपने पहले साइन अप कर रखा है तो अपने दूसरे मोबाइल में जाके साइन अप करें, दूसरे मोबाइल नंबर और दूसरी मेल आईडी के द्वारा, तो भी आपको $10 मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।